किसी से जब तू कमरे में जाएगी तो मुझे ढूंढेगी क्यों ढूंढूंगी फोन नहीं कर सकते किचन में रहोगी खाना बनते बोलोगी संजू और संजू वहां पे अवेलेबल नहीं रहेगा कोई बात नहीं मैं फोन कर रही हूँ पूछ लूंगी कि खाना वाना खा लिया तो कहेंगे ठीक है हाँ खा लिया मैं सो जाऊंगी आराम से फोन पे लगी रहोगी फोन पे टाइम पास हो जाता है तुम्हारा आराम तो उसी के साथ चले आएगा गाँव कहाँ आराम रहेगा ये इस गलत फहमी मत रहो बच्चों के साथ सब बिजी हो जाते हैं टाइम को पता नहीं ऐसा कुछ नहीं बाबे हमें तो सुबह रात दिन ऑफिस में जैसी घड़ी के 6:30 बजते ना वो नहीं आते ना तो 7 बजे एक फोन हो जाता है कि तो उन्होंने देर लगेगी उन्होंने तो घर आना है ना वो तो अपने घर जा रहे हैं अपने क्या कहते हैं उनको हाँ अपने गाँव जा रहे हैं तो इसमें पूछने वाले क्या बात है ऐसे नहीं मतलब इसका मतलब इसे दुख तो है इस बात का कि मैं जा रहा हूँ जैसे, जैसे अभी बोल रही थी ना कि तुम रुक जाओगे तो तुम बोलो नहीं जाओगे यानी ये ट्रैक पे आ रही है मैं क्या कहते हैं मैं रुक जाऊंगी अगर आप गाँव ना जाओगे तो मैं रुक सकती हूँ ठीक है फिर मैं कल सुबह चले जाऊंगी अगर मुझे मीनू के घर 1% जाना भी होगा तो मैं सुबह चले जाऊंगी नहीं मैं रुकूं चाहे ना रुकूं लेकिन मैंने तो गांव जाना ही जाना है गांव जाऊंगा ही जाऊंगा मतलब जाऊंगा आप अपने अपनी उस बात पे अड़े और दूसरों को आप बिल्कुल बात से नीचे कर रहे हो कि ना तो इन तो रुकने चे इन्हें हम समझो फिर आज भी चलेंगे शाम को जहां बोलो सोच लो लास्ट का जो आपको डेकोरेट वाला पसंद है ना वो बर्वा बोलो अपा मुझे पर टेस्ट नहीं लगा उसकी वजह से और भी टेस्ट खराब हो गया नमक उसमें ज्यादा ही गया था वो नमक ना गिरता ना और सिर्फ सॉस ही सॉस डालता और दही डालता तब बढ़िया बनता सर नमक डाल के काम करता अरे थोड़ा नया वो करता अरे एक काम करते हैं 2 दिन और पार्टी करते हैं और फिर आप तो सब्सक्रिप्शन भी ले लिया हमने मूवी वगैरह जैसे कल मूवी दे मूवी दे मूवी सिद्धार्थ रहने दे भाभी रोने लग जाएगी भाभी को ले जा मैं नहीं रोती नहीं तो तूने ये क्या बोला इसका मतलब तू रुकना चाहती है हाँ मैं रुक जाऊंगी लेकिन जब आप गाँव ना मैं बताती हूँ ना असली दुख की बात ये है भाभी को कि तू जा रहा है गाँव और भाभी के दिल पे ज्यादा वो लग रहा है कि कि मैं गाँव जा रहा है ये गाँव जा रहा है तो मैं कहीं ना कहीं अपनी जिद दिखाऊंगी हाँ भाई मेरी चलती है लड़ाई भाभी लड़ाई का मुद्दा चाहती है तो लड़ना चाहता है इससे बढ़िया भाभी को भी करने दे जो भाभी चाहती है तो भाभी को भी एक हफ्ते मायके छोड़ दे इसको एक हफ्ते के लिए नहीं मैं परमानेंट ही छोड़ रहा हूँ इसे परमानेंट छोड़ रहा हूँ भाई लोगों परमानेंट परमानेंट बने बच्चों की माँ बहुत जरूरी है भाभी भले ही छोड़ दे पर हमारे सिद्धार्थ और टुन्नू की मम्मी चाहिए हमें वो बोलेंगे मेरी मम्मा नानी है तू ही ना उसकी मम्मा ऐसे छोड़ देगा तू तू इनको ऐसे छोड़ देगा लानी है लानी कभी बोला है तुझे किसने राजा है मेरे पापा मम्मी ने खिताब ले लिया है वो ऐसा है ना कभी कभी ये रेडी हुई तो उसे अचानक से लगा कि ये औरत बदल कैसे गई तो इसलिए तू भी शेरवानी पहन ले पापा आपकी तो ताजा लग रही है गले पापा वाह आपकी तो सुंदर लग रहे हो अरे सब्जी तुम जलेगी खुशबू तो आ रही है उसे वो जा सीरियसली यार बच्चों को तैयार तूने कर दिया कहीं और निकल लेते हैं चल हालांकि हमें घर पे जाना ही है पर मैंने उसे बताया नहीं मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ ये सिर्फ इन दोनों को पता है लेकिन पूजा हाँ पे एक उपाय और है सॉरी बंद कर ये बैग वैग अंदर रख दे बैग वैग लेके मत बैठ यहाँ बैग गीला कर दो ना भाभी का कोई काम नहीं है सारे काम हो गए हैं दांत भी दिखा लिया है कल दांत की वजह से हम रुक गए अब काम हो गया तो ये तो यूजलेस तो अगली बार फिर मैं मना कर दूंगी उससे डॉक्टर से तुम क्या मना करो हम सीधा दिल्ली से सीधा मेट्रो से नहीं पहुंचे मेट्रो से कैसे पहुंचे बोल दूंगी ना कि दिल्ली से वो लोग आएंगे तो मैं आप मना कर देना नाश्ता दे दे यार मेरे
फिर बच्चे तैयार कर रखे, मैं कहीं घुमा के ले आऊंगा। और एक हफ्ते बाद फिर हमने फिर आना, उसने बोला द मॉल ऑफ फरीदाबाद देख रहे आपने, एक नंबर के सामने ही है, वहाँ चलते हैं आज, वहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह है बच्चों की बहुत अच्छे अच्छे। हाँ, शोना के लिए और गौरी के लिए लिया हमने तीन तीन टी शर्टें, जो शोना उसे पहनी थी ना सिद्धार्थ ने ब्लू कलर की वाले। खुश रहना सीखो यार, चिड़चिड़ी तो तुम बचपन से ही हो। खुशी तो हूँ, चार पांच दिन रुक गई और क्या क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या, तुम तो दो दिन भी नहीं रुकते। एक दिन और हमारे पास जिम्मेवारी है, तुम्हारे कंधे खाली है अभी। हाँ, जिम्मेवारी हम पे नहीं है, तुम पे ये जिम्मेवारी है, तुम भी खाना बनाती हो घर में, हम भी खाना। तुम्हारे कंधे खाली है, तुम सब्जी लेने जाती हो अकेला, ये बताओ। अकेला नहीं जाती लेकिन कभी कभार राशन लेने जाती हो, राशन लेने जाती हो कभी कभार, नहीं ना, हमारी तो जिंदगी ऐसी झंडोरी है रोज की, राशन लेने नहीं जाते लेकिन घर में भी पूरा पूरा काम रहता है। भैया कल आ जाएंगे, तूने कितने टाइम से पापा को मारा नहीं है ना भैया। ये बात का सबूत है जो पापा इतना बोल रही है, तो आज हो जाए भाभी दो दो आज। क्या सुमो? हाँ, सुमो कौन सी गेम होती है? ऊपर के टी शर्ट उतार रखे हैं, पेट से मार रहे हैं एक दूसरे को। जाके देखो दीदी भी मार रही है, दीदी भी खेलते थी। चल पूजा तू भी खेल ले, जा उतार ले। कल रात तुम कह रहे थे पेट बड़ा, जाओ अपने पेट से सबको गिरा के आ जाओ। हाथ में पकड़ा भगाओ इन्हें, दीदी दीदी इन्हें एक एक रोटी हाथ में पकड़ा और भगा, धक्का मार के निकाल इन्हें। नहीं जा लो साला ढीठ। अब अगली बार पता ही कैसे आना, बाहर गेट पे आना अभी, ठीक है संजू चलते हैं, अब ऐसे आना ठीक है। साला तुमको तू चार दिन भी रोला तब भी तुमको एक दिन लगन, एक घंटा भी तो बड़ा सा फार्म हाउस लेते हैं, वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे साला, तुम ले तो लो पहले। नहीं ऐसे ही चार दिन में आप परेशान हो जाओगे तो क्या दिक्कत है, करोड़ों रुपए भी लगा दे और उसके बाद तब तो अलग ही मजा आएगा ना, फिर फार्म हाउस में सारी चीजें भी रहेंगी ना, बच्चों के लिए झूला भी लगा देंगे। लेकिन तुम वहाँ भी बोर हो जाओगी, तुम्हारी जैसी बात तुम्हें वहाँ भी रहेगा कि भागना है। नहीं तो फिर आ जाऊंगी ना, फिर दो दिन स्टे करके घर में। भाभी बदलने का ऑप्शन मिलता है कहीं? लेकिन पहले पूछ लेना कहीं कहीं आने जाने से, तो कोई ज्यादा दिन रुकेंगे तो देखी है आपको, यही तो नहीं पता हमने वो ले लिया, तो उसके बाद तो हम मूवी पे मूवी देखेंगे। मुझे आज जाने दो, कल शाम को फ्राइडे है, सबके सब लैपटॉप उठा रहा, तुम लोग आ जाना फिर वही मूवी देखेंगे। अरे हम नहीं आ सकते ना, हमारी गाड़ी है ट्रक थोड़ा है, सारे भर जाएंगे, आपको मेरी याद नहीं आएगी ना फिर। सैटरडे को आना, यही है को तो जीव भाई की छुट्टी रही, ऐसे नहीं आ सकते हम, तुम तो रुक नहीं पा रही हो, आई हुई चार दिन रुक गई, पांच पांच को दिन रुक नहीं पा रही, तो आज रुक जाओ ना, बर्थडे मना जाएगा, बर्थडे मन जाएगा पांच को मेरा। हाँ मेरे बर्थडे पे तुमने विश भी नहीं किया है मुझे, वैसे भी याद नहीं है मुझे, चलो बर्थडे ही समझ कर रुक जाओ आज। अरे नहीं पूरा मार्च ही बर्थडे हो रहा है मेरा, मार्च में पैदा हर कैसे डीट हो रही हो ना, तो इतना डीट कोई कैसे हो सकता है, इतना तो सालों का हमसे बोलता है ना एक बार, तो हम उससे कहते हैं भाई ठीक है, जब तेरी इतनी वो हो रही है मर रही तो चल ठीक है। चल यार मैं थोड़ा सो लेता हूँ। हाँ भाई तू सो जा भाई, ले भाई लाइट वाइट बंद कर देते हैं, तक ये लगा दे बहन मेरा, जीने नहीं देंगे तुम्हें। जीने नहीं देंगे तुम्हें, मुझे तो वही वीडियो अच्छी लगी जब भाभी जाते जाते चाहे तो जिंदगी में कुछ गलतियों की माफी नहीं मिलती ना, तेरी भी है वही गलती चल रही है।
क्या करे बहन, हर इंसान से गलती होती है। गलती हो गई बहुत तगड़ी वाली। हमारे घर में दो गलती हो गई, एक बजे के बाद ही ऐसा संदेह कभी होता है। नहीं बोलते भी हमारे घर में दो गलती हो गई बस, और यही दो गलतियां हमें बार बार दिखाती है अपना असली रूप। अब देख मैंने कोई गलती नहीं करी तो मैं अपनी सलती कैसे निभा रही चुप रह के बिल्कुल ले बहन तो कोई ऑप्शन ही ना मिलो। जा तू भी लेट जा, अगर तेरे को लेटना है तो आ जा आजा। क्या जबरदस्ती है, जाना जरूरी है। हाँ जरूरी है तो कल सुबह, फिर मैं सुबह से मेरे को ये निकल जाऊंगा सीधा। ऐसी कोई जरूरी नहीं, ये मेरी बहन का जरूरी नहीं है ना। सबका जरूरी होता है, सबका जरूरी नहीं है, सिर्फ आप लोगों का जरूरी है। देख मेरी बात सुन, सीधी सी बात यह है कि अगर तू आ जाएगी फिर से तेरे को वही रगड़ा रगड़ी काम करो, सुबह रोटी बनाओ, दोपहर में खाना बनाओ, रात को फिर खाना बनाओ, एक दिन की छुट्टी और ले ले। बोलती है तो आपको क्या यहाँ भी बना दिया है, मैंने तो नहीं देखा तेरे बनाते हैं। बना बना तो मैं कुछ नहीं रही, लेकिन एक बार करके देख रही हूँ ना, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। संध्या मैं सही नहीं कह रहा, एक दिन दो दिन की और छुट्टी सही, क्या दिक्कत है तुम्हें, यहाँ कोई परेशानी, यहाँ कोई परेशानी मोए कोई परेशानी ना है, ज्यादा भाई मैं तो नाश्ता कर लूँ जाके, इनका ये ड्रामा चलेगा और उसके बाद मैं एक मूवी देखूंगा बढ़िया सी। तो पूजा पराठे बना रही है आज हमारे लिए, सब बच्चों के लिए, अभी चाय बन रही है। सबसे ज्यादा मेहनती मेरी बहन बड़ी वाली ये करती है। तो भाई समस्या ये है कि पूजा कह रही है कि उसकी बहन से उसकी बात चल रही है कि बर्थडे है, और बर्थडे पे अगर तुम आएगी नहीं तो इसका मतलब वही तेरे अपने हैं, हम क्या अपने नहीं है। तो पूजा की जो बहन है उसका बच्चे का बर्थडे है एक दिन बाद, तो अब समस्या हमारे लिए ये है कि अगर हम नहीं जाते हैं तो अरे भाभी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो भाभी चाहते हैं कि भाभी वहाँ जाके खाना बनाए। नहीं खाना बनाए वो बात भी ठीक है, लेकिन समस्या समझो रिश्तों को हर तरफ निभाना पड़ेगा, जैसे मैं अपनी बहन के यहाँ आया हूँ ऐसे उसे भी अपनी बहन के यहाँ जाना पड़ेगा। तो हम दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि हम दोनों चले ही जाते हैं घर, पार्टी जरूरी है भाई, पार्टी तो, और उसके लिए पार्टी बहुत जरूरी है। तो भाई वो फोन पे यही कह रही है वही तेरे अपने मेरे, इतनी अच्छी साली है ना, इतनी क्यूट लगती है, और मेरी बीवी को वो दुत्कार रही है, कह रही है वही तेरे अपने हैं, वही रह ले तू जा मत आइए। वैसे तो एक दिन पहले जाना चाहिए था, पर चलो उस दिन तो पहुंच ही जाएगी, देखते हैं। अभी फिलहाल अभी भी मेरा मन बदला नहीं है, मेरा मन तो यही रुकने का है। नहीं यहाँ तो आते जाते रहेंगे, कोई बात नहीं, साल भर की बात है भाई बर्थडे, देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है, उनका भी उनके फोन पे डिस्कशन चल रही है। क्या बोली, कह रही जीजू को तो मैं बताऊंगी, उनसे कुछ मांग थोड़ा रहे हैं जीजू से। ओए होए क्या हुआ, चलेंगे खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स किसी को भी नाराज नहीं करना चाहिए, और मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि कब है उसका बर्थडे, कब है कल, तो हम उसके बर्थडे में भी जाएंगे, एनी हाउ हम जाएंगे, चाहे हम यहाँ रहे चाहे हम वहाँ रहे, हमें जाना है जाना, उसके बर्थडे में भी जाएंगे, लेकिन हम उसे बताएंगे नहीं, हम उसको बताएंगे नहीं। और कल बर्थडे है उसकी छोटी लड़की का, और ये हम सरप्राइज देंगे उसे। तो फ्रेंड्स मैं नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ, और अभी भी हमारा डिसाइड नहीं हुआ है कि हम घर जाएंगे या नहीं जाएंगे, और पूजा का भी कन्फ्यूज़न ही चल रहा है, क्योंकि पूजा को तो मैं बताऊँगा ही नहीं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, वो सिर्फ आपको और मुझे पता है क्या हुआ क्या चल रहा है, बस वो तो बाद में पता चलेगा। तुम पहले नाश्ता कर लो, पहले तुम कर लो फिर मैं कर लूँगा, पहले देवी का करना जरूरी है भाई। अरे करो ना, मैं ला रही हूँ, चलो मैं ही कर लेता हूँ।
तो दोस्तों मैं यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ बाबू को, और पहले अभी हम यहाँ पर सो जाएंगे, और मैं अभी पूजा को भी आवाज़ मारूंगा सुला दूंगा, और सोने के बाद तुरंत मैं क्या करूँगा थोड़ी देर बाद ही उठ के बोलूँगा कि भाई चलो भाई तैयार हो गए हम और चलो घर चल रहे हैं। तो अभी देखते हैं पूजा के साथ क्या रिएक्शन होने वाला है ना बाबू। वाली टी शर्ट जो है यहीं पड़ी है क्या मेरी? जब कल जाएंगे तो फिर रख लेना इसे, भूल मत जाना यहाँ पर। क्या आज चले जाते तो कुछ हो जाता? तुम आज क्या करोगी जाके? बोल तो दिया, एक दिन तुमसे तैयार नहीं हो रहा, लेट जाओ। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, अब लेटने दो ना यार, अब ड्रामे मत करो, चलो कर ले। हाँ दिमाग खराब नहीं कर रहा, सो जाओ आराम से। नहा धो करके बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ और जाना चाहता हूँ घर, और बच्चों को भी मैं तैयार कर चुका हूँ, पर पूजा सो गई है, उसको मैंने सुला दिया था प्यार से ये कह करके कि भाई हम आज नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, और ये सरप्राइज़ ही रहेगा उसके लिए। और ये जो ऐसा प्रैंक होने वाला है कि घबरा जाएगी कि यार ये हुआ क्या अचानक, जैसे हम पूरा बैग वैग पैक करके उसके पास खड़े कर दूँगा दोनों बच्चों को। ये देखो इसका भी मैंने तैयार कर दिया, दोनों बच्चों को एकदम तैयार करके, और फिर बोलूँगा चल खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो, फिर देखते आगे क्या होता है। ज़बरदस्त वाला प्रैंक होने वाला है, लेके तो मैं उसे जाऊँगा, आज ही लेके जाऊँगा, लेकिन उसे अभी पता ही नहीं है कि मेरे मन में चल क्या रहा है। तो भाई अभी चाउमीन पार्टी चल रही है, और मैं उसके बाद बच्चों को भी सिला दूंगा और बच्चों की मम्मी को भी सिला दूंगा। इसी तरीके से हम लोग घर पे रहेंगे और मस्ती करेंगे। क्या करेंगे? मस्ती। तो खुल गई है हमारा चाउमीन का पिटारा, इसको सुलाना है फिर। तो जी जरूर सुलाएंगे। अभी सिला दूंगा मैं इसको और इनके बच्चों को भी, दोनों को। गंजा गंज करके खाओ, गंजा गंज। अरे दो ना, एक प्लेट। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और वो जो बिना मिर्च वाली है वो उसको देना श्रेष्ठ को। ठीक है, आ जा श्रेष्ठ। ये अलग से रखी है आपके लिए और अदिति के लिए भी रखी है। तो काफी दिन बाद, 20-25 दिन बाद मैं जैसे चाउमीन खा रहा हूँ तो वैसे ही टेस्ट आ रहा है जैसा पहले आता था। तो भाई मैं सबसे पहले जा कर के अभी वहाँ पे अपना कैमरा लगा देता हूँ, क्योंकि वो सो चुकी है और इसको मैंने रेडी कर दिया, और देखते हैं कि क्या करने वाली है आज ये। और ऊपर मैंने पूजा को, संध्या को, सबको रेडी करना है कि ये क्या चिल्लाएगी और कैसे चिल्लाएगी दिखाने के लिए। आप लोग असली रूप दिखेगा आज पूजा का। चल बेटा चल, चुपचाप। यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पर चुप चुप, अभी कुछ मत पूछ, तू कौन सी चीज का है? चुप चाप, चुप चुप चुप, मैं भी सोने दे आज। क्या करूं घर चल, क्यों ये देख रेडी कर दिया मैंने बाबू को भी, चल
घर से सैंडल नहीं मिली मेरे को। चल मैंने सुबह क्या बोला था आपको, चलती क्यों नहीं है यार, खड़ी हो, लेट हो रहे हम। ये क्या तरीका है, तीन बज गए, तीन खड़ी हो पूजा, पूजा मैं तो नहीं जा रही हूँ। सुबह सुबह बोल मानी नहीं गए, सुबह सुबह बोल रही थी तब तो आपसे चला नहीं गया। चल ले चल, ड्रामे मत कर, बस मैं तो नहीं जा रही, मम्मी को फोन करूँ, मैं तो नहीं जा रही। अभी चल ले तू, मैं तो नहीं जा रही, मैं तो नहीं जा रही। इसको देखिए सिद्धांत की तरह, ये देख ले, इसको भी रेडी करते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जा रही। ये चल नहीं रही, देखिए क्या कर रहा है, तुमने क्यों कर रहे हो इतना, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं। तुम्हारे सामने बोला था ना सुबह चलना है, सुबह चलना है, तब इन्होंने मना कर दिया कि नहीं कल चलना है, पूरा दिन खराब कर दिया, उसके बाद कह रहे चलना चलना, तो जोर से हाथ पकड़ा मेरा। यार तुम ऐसे काम मत करो ना, आपस में लड़ाई झगड़ा ही अच्छा लगता है कुछ, क्यों लड़ रही हो संधि? हमारी बात फाइनल हो गई थी ना कि कल ही चलेंगे, इन्होंने बोला ना कल चलेंगे, सुबह से मैं रेडी हो रही हूं। कुछ काम होगा तभी तो बोल रहा है वो, हो सकता है उसे कुछ काम हो। देख ले सिद्धांत भी रेडी है, लड़ा मत करो भाभी, गलत बात है ना। तुम्हारे सामने बात फाइनल होगी थी ना कि हम मूवी देखेंगे और कल जाएंगे, सुबह से मैं पीछे पड़ी हुई 8 बजे से कि चल लो घर चलो भाई चलो, बहुत दिन हो गए। मैं नहीं जा रहा। एक तरह से लड़ रहे यार। अरे आराम से कमरा बंद करके लेट रही, एक लाइट जला रखी है, मैंने सोचा चल मान जाएगी बात। तो तूने हाथ इतनी जोर से पकड़ा क्या? हाथ कुछ जोर से नहीं पकड़ा। ओ मुन्नू इधर आ, क्या कर रहा है ये, बता क्या करूं। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं जा रही। अरे भाभी उसका कुछ काम होगा, मतलब इतनी लड़ाई झगड़ा अच्छा लग रहा है? ये कोई काम है? ये कोई काम होता है क्या? मतलब सुबह बंदा 2 बज गया, टाइम क्या होगा देखना, 3 बज गया होगा। तुम तैयार हो रखी हो, ऊपर में बच्चे को तैयार कर रही हो यार। आवाज ही तुम्हारी सच में, कितने लोग भी कहेंगे कि कैसे बात कर रही हो, दोनों बच्चे ऐसे आए हैं, कोई लेट नहीं हुआ, अभी चल रहे हैं। मैं तो नहीं जा रही, मैंने जा रही, मेरा जीप सा हो रहा है। मैं सच कह रहा हूं यार, मैं तो सुबह ऐसे ही कह रहा था, मजाक कर रहा था, मैंने कहा चल यार कोई, ये मजाक होता है क्या, पूरा दिन निकल गया, आराम से मजाक होता है। सो गई बता 2 मिनट में ही, क्या कर रही है ना, सो गई फिर Ah!
कोई बच्चा मुझसे नहीं डरता। वाओ पहनो फिर इन्हें पहनो बेटा, ढूंढ दिए आखिर, ये ही नहीं मिल लेते। अगर ये मिल जाता तो तुम्हारी मम्मी को यहीं छोड़ के चला जाता मैं आज। बाय बाय सबको बाय। चलो छोटी छोटी बातों पे भाई साहब, चलो बाय बाय सभी को हमारी तरफ से बाय बाय। ओके बाय बाय भाभी, मुझे नहीं पता पानी पानी तो नहीं करेंगे रास्ते में, पानी में लेके आए भाभी की दीदी वाली हमका की बोतल। गैस गैस की गोली ना दी थी, गैस की गोली तो आप ही को जरूरत पड़ेगी मेट्रो। आओ बाय कोई। सो फ्रेंड्स एक अलग बात यह है कि हमारे घर में नहीं पता कि हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि मैंने मम्मी को यही कह दिया था कि हम कल आएंगे, तो एक सरप्राइज होगा उनके लिए कि तुम तो कल आने वाले थे, तुम अचानक आज कैसे आ गए। ज्यादा ठंडी तो नहीं है? बैठते हैं ना बच्चा ये। हमारा श्रेष्ठ सो गया है और इसने फ्रूटी भी खरीदवा दी थी, हमने सोचा मेट्रो में पिलाएंगे, लेकिन अब कहाँ से पिलाएंगे। तो यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। तो दोस्तों इसे देखो कैसे मस्त हो गए, बाबू भी हमारे सो गए हैं रास्ते में ही। अरे उन्होंने फ्रूटी भी दिलवाई है, हमने उनसे कभी फ्रूटी नहीं पिलाई, मेट्रो में पिलाएंगे। दीवाना मैं चला खाली खाली बैठ गई तो मिली गई, मुझे नहीं मिली तो मुझे भी मिली, आपको भी मिली, दोनों को मिली, एक सीट मिली। वे रोटी चलो 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 शाबाश, चलो चलो इधर से चलो ऊपर। टिकट काटेगा? हाँ। चलो भाई लड़का टिकट काटेगा, भाई हटो भाई मेट्रो वालों, हमारा लौंडा टिकट काटेगा आज, टिकट दो भाई से। सबका है भाई टिकट। चलो भाई नहीं होता टिकट फिर क्या करते हो, फिर यहाँ से बनवाना पड़ता है। धन्यवाद भाई। ले लो टिकट, मेरी मेरी भी रख लो। शाबाश, मैं आपको पुलिस से मिलवाऊंगा, आओ जय बोलो बोलो बोलो। खाली ऑटो नहीं जाएगा जल्दी, भरा ऑटो जाएगा जल्दी। सिद्धांतपुरी वहाँ की कहानियां बता रहा है कि वहाँ ये हुआ ये किया हमने, और हम अभी अभी घर पहुँचे हैं, तो हमने सोचा था सरप्राइज देंगे पर ये सरप्राइज गलत हो गया। असल तो फोन आया अभी, असल तो मैं भैया और पहुँच गया, मैंने कहा पहुँच गए, मैंने झूठ क्यों बोल दिया, नहीं नहीं मम्मी निकल गए वो बहुत देर हो गई। तेरे को गर्मी लग रही है? दोस्तों होप कि आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा।